हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी सोच रहे हैं सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं, क्या करें, तो ये वीडियो आज उसी के ऊपर है। मेरा कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो वेलकम बैक टू अनकन मेहदी की कहानी। अभी हम ऑफिस में हैं, ये सामने बुर्ज खलीफा, ये मेन रोड में देखिए कितना सारा गाड़ी है। तो वीडियो में आगे बने रहे, बताते हैं और शेयर करते हैं मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस। तो जैसा आप लोग वीडियो के स्टार्टिंग में सुने कि सब्सक्राइबर्स बढ़ाने को लेकर के ये वीडियो है, तो वैसे अभी हम लोगों के चैनल में सब्सक्राइबर्स ज़्यादा नहीं है, अराउंड 600 है। पर जो भी है वो पूरा जेन्युइन, पूरा ओरिजिनल, पूरा ऑर्गेनिक हम लोगों का वीडियोस शॉर्ट्स देख करके ही है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम कुछ टाइम से सोच रहे थे कि कैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ाया जाए। तो हम यूट्यूब में, गूगल में काफ़ी सारा वीडियोज़ देखें, काफ़ी सारे ब्लॉग्स देखें जिसमें लिखा है कि बहुत सारा वीडियोज़ में बोला है सर कि आप ये करो वो करो, बहुत सारा वेज बताया कैसे बढ़ाया जा सकता है। कोई कोई वीडियोस में ये भी लिखा है कि आप गूगल ऐड करो या फिर दूसरा कोई आउटसोर्स करो या फिर सेकेंडरी पार्टी को दो, जो लोग किसी किसी तरह से सब्सक्राइबर्स बढ़ाता है। तो ये सब तरीका हमको बिल्कुल भी सही नहीं लगा, तो इसीलिए हम ये सब चीज़ को बिल्कुल अवॉइड किए। और भी कुछ वीडियोस देखा जिसमें सब बोल रहा है कि आप ये हैशटैग यूज़ करो या फिर आप इस टाइम पर वीडियो दो, आप ये करो, डिस्क्रिप्शन में ये लिखो, बहुत सारा मतलब वे बोला है जिससे आप वीडियोस अपलोड करो। तो हम वो ट्राई किए, वो वे हम हैशटैग्स यूज़ किए, हम टाइम पे देने का कोशिश किए, हम डिस्क्रिप्शंस दिए, तो उससे हमको कोई फ़ायदा हुआ नहीं। शायद उसी बंदे को फ़ायदा हुआ जिसका वीडियो देख करके हम ये किए। तो मकसद यह है मेरा ये वीडियो बनाने का कि अभी आपको यूट्यूब में बहुत सारा वीडियोज ऐसा मिलेगा जिसपे सब बोल रहा है कि आप इस तरह से सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, इस तरह से चैनल में ट्रैफिक बढ़ाओ। तो वो सब वेज फॉलो मत कीजिए, वो सब वीडियोज़ मत खोलिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है वो सबसे। हम भी खोले वो लोगों का वीडियो, हैशटैग यूज़ किए, डिस्क्रिप्शन में ये ऐड किए, वो ऐड किए, पर फ़ायदा हमको नहीं हुआ। तभी अलहमदिल्ला हम का जितना भी सब्सक्राइबर है सब पूरा नॉ है, जैसा वीडियो में पहले बताया। तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिए, एक टाइम फिक्स कीजिए, रोज़ वीडियोस दीजिए, रोज़ शॉर्ट्स दीजिए। हर कोई कोशिश करता है कि उसके चैनल पे ट्रैफिक हो, चैनल जल्द से जल्द मोनेटाइज हो जाए, तो ये अच्छा है। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके अपना डेली लाइफ शेयर करें, शॉर्ट्स ब्लॉग्स हम लोग अपलोड करते रहें। तो आप लोग से भी हम यही बोलेंगे कि आप लोग इसी तरह से जेन्युइन वे पे अपलोड कीजिए, इन लोगों के स्कैम पे मत पड़िए। ये लोग ऐसा वीडियोस देता है सिर्फ खुद के चैनल पे ट्रैफिक के लिए कि बंदा खोजेगा यूट्यूब में और इस तरह से फिर अपलोड वीडियोस देख के अपलोड करेगा, तो उन लोगों के चैनल में ट्रैफिक होगा जो ये वीडियो दे रहा है। तो बस यही शेयर करना था। हम भी बहुत सारा तरीका यूज़ किए, हाँ, पर हम कोई गूगल ऐड या फिर कोई थर्ड पार्टी को कुछ नहीं दिए, क्योंकि हमको वो सब बिल्कुल भी फेक लगा, सही नहीं लगा। वो सही नहीं लगा मतलब इन द सेंस कि वो हमको जेन्युइन नहीं लगा। वे आप ऑर्गेनिक रहो, आप रॉ रहो, जैसे हम लोग अपना हमारा वीडियोस देते रहते हैं, जो करते हैं डे टू डे एक्टिविटी वही, उसमें कोई बनावटी कुछ नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश नहीं करते जो कि फेक हो। तो आप लोग भी वही कीजिए, एक टाइम फिक्स कीजिए जिस टाइम पर आप लोग वीडियोज़ अपलोड कर पाए, कोशिश करते रहिए, मेहनत कीजिए, और लग में रहा तो फिर क्लिक कर जाएगा। ये बात सही है, बहुत बहुत कुछ करने की कोशिश करता है अलग अलग फील्ड में, पर हर किसी को उस तरह से कामयाबी, उस तरह से प्रोग्रेस, सक्सेस नहीं मिलता। बट वी शुड नेवर लूज होप। डे टू डे एक्टिविटीज़, कोई कोई दिखाता है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपना टैलेंट दिखाता है, कोई शॉर्ट्स दिखाता है, कॉमेडी हो, सीरियस हो, बहुत सारा टॉपिक्स में सब वीडियोस बनाता है। तो हम भी कोशिश करते हैं, हम लोग हम और अनकरण भी इसी टॉपिक्स में, अपने सराउंडिंग टॉपिक्स में वीडियोस बनाएं। तो आप लोग भी वही कीजिए, और बस इस वीडियो में इतना ही। अनकरण अभी घर पर है, हम ऑफिस में है, ऑफिस में है, तो हमको बहुत टाइम से हम सोच रहे थे इस टॉपिक में वीडियो बनाए, पर टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था, क्योंकि यूएई में ऑनेस्टली बहुत ही हेक्टिक लाइफ स्टाइल है। अनेक अनेक बोलिए बंगाली में बढ़ा जा रहा है बीच में, क्योंकि अनकरण से हम मोस्टली बंगाली में बात करते हैं, तो थोड़ा हैबिट हो गया। तो यही है कि यूएई में बहुत हेक्टिक लाइफ है, बहुत बिजी होता है बंदा, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि डे टू डे आप वीडियो एडिट करो और अपलोड करो। और आइंदा हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट हफ्ते में दो वीडियो विदाउट फेल सेम टाइम पे अपलोड करने की कोशिश करें। आप लोग भी वही कोशिश कीजिए जेन्युइन वे पे, और अगर आप लोगों के पास कोई और एडिशनल वे हो जिसको आप लोग बोल सकते हो जेन्युइन वे हो, वो हम लोगों के साथ कमेंट में शेयर कीजिए, ताकि हम वो वे देखें और उसको भी कोशिश करें। बस ये वीडियो में इतना ही, आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए, आपका साफ़ सफाई रखिए, खुश रहिए, और बस मेरी आराम करने की तरफ से मसाला।